जीत गई तो पिया मुरे के अधिराज पर हुआ जानलेवा हमला। छत से गिर गया एक बड़ा सा गमला। वो तो अच्छा हुआ कि हमलावर का निशाना चूक गया और अधिराज बच गया। इसे अधिराज का लक ही माना जाएगा कि वो देवी के बुलावे पर थोड़ा सा घर के अंदर गया और वो बच गया। देवी को लकी अनलकी की कुछ भी उसका मोटिव वो नहीं है, उसका लक्ष्य वो है ही नहीं कि पति को अपने आप खुद को लकी साबित करे या ऐसा कुछ। वो सिर्फ उनकी खुशी चाहती है, सबकी खुशी चाहती है, और वो सिर्फ वही चाहती है कि अधिराज जो इसके अंदर एक अच्छाई है वो सबके सामने आए, बस उसका मोटिव ये है। कहीं ना कहीं तो दिमाग में चीज़ें आ ही चुकी हैं कि ये वो है, ये शुभ है। अधिराज बार बार बोलता है कि ये शुभ है, अच्छी है छोरी, छोरी ने कुछ गलत ना किया, बट मासा को पसंद ना आया छोरी। देवी को बदनाम करने की और उसे अधिराज की नजरों से गिराने की ये साजिश थी, और ये साजिश रची थी मासा ने, और उसका साथ दे रही थी उनकी ये चेली जो अधिराज को पाना चाहती है। देवी कुछ ही देर पहले इन गमलों में पानी दे रही थी, तो जाहिर सी बात है इसका आरोप भी देवी पर ही लगेगा। मासा ने ऐसा ही किया। वैसे उनकी प्लानिंग तो अधिराज को चोट पहुंचाने की थी, मगर प्लानिंग फेल हुई। गमला अधिराज पर नहीं, एक गद्दे पर गिरा। जी हाँ, बार बार शॉट लेना पड़ता है, बार बार गमला टूटने का नुकसान नहीं उठाया जा सकता, इसलिए दो बार तो गमले को गिराने वाले शॉट में गमले को गद्दे में ही कैच किया गया, मगर तीसरी बार ये गमला गद्दे में ही टूट गया। तब जाकर नया गमला लाया गया और सीन संपन्न हुआ। इसका मतलब ओह माय गॉड, थारी ब्लेंडिंग थी। You did all this. पानी तो नहीं पिलाया था। पानी मैंने पिलाया था, पर धक्का किसी और ने दिया, और बचाया भी मैंने ना, वो देखे। देखने वाली बात ये कि बचे किससे, किनकी वजह से? देवी की वजह से। फिर अधिराज देवी की नजदीकियां माँ सास से देखी नहीं जा रही हैं, इसलिए ये कारनामे हो रहे हैं। देवी की परीक्षाएं मानो अभी भी चल रही है। मुंबई से राज दीक्षित की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।